ये किसी तरह की भी है। चलो एक इंसान होता है, उसके मन का कुछ नहीं पता क्या होता क्या नहीं। इन्होंने कुछ भी किया, चलो मेरे से पूछ भी लिया, मैं इन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा, हर चीज़ मेरे को बताई है, लाइफ की हर चीज़ इन्होंने शेयर की है कि मनु मैंने शादी करनी है। मैं ठीक कर ले भाई। राम राम भाई, सारे ना हाल फिलहाल दुजाना में आए हैं हम, और दुजाना में आए हैं एक बच्ची का मैटर उठा था शोरूम में, लड्डू का है जिसने, या कोड वर्ड है, बच्ची का नाम हम ले नहीं सकते क्यों, आगे उसकी लाइफ का भी सवाल है, तो हम लड्डू नाम लेवाएंगे उसका। उस मैटर को लेकर काफ़ी लोग बदनाम हुए हैं, समाज में बुराइयां फैली हैं, तरह तरह की बात चल रही है, तरह तरह के कमेंट चल रहे हैं। हम नहीं चाहते समाज को दूषित करना और ना हम किसी बात की पुष्टि करते, लेकिन ये पिंकी बैठी है, इसने अपनी बेटी को लेकर एक आवाज़ उठाई थी बच्ची के लिए, उसी आवाज़ पर हम आए थे और आज फिर आ गए, इनने फिर बुलाए हैं। आज मन्नू नाम का भी एक मैटर आ रहा है, इसमें मन्नू तो ही पूछेंगे कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनका परिचय लेवाएंगे पहले तो। हाँ भाई, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। हर्षवर्धन, पहले तो अपना परिचय दो। हर्षवर्धन, गांव सालमखेड़ा। सालमखेड़ा जी। तो आपका पूछना चाहूँगा, क्या रिश्ता है इनके साथ आपका? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है जी। तो आपकी शादी हुई थी कि लव मैरिज थी? रिलेशनशिप। तो आपका है बच्चा जिसका जिक्र चल रहा है? हम नाम नहीं लेते। मेरी गुड़ी है। आपकी? हाँ जी, मेरी गुड़ी है। तो आप इतनी देर से कैसे आए मीडिया में? सर मेरा एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट हो गया था? जी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था। बाकी इनसे मेरी बात होती रहती थी, मैं टाई अप में था, तो आज मेरे को टाइम मिला था इसलिए मैं आ गया। फिलहाल मैं मेरे बच्चे के लिए जैसे बोलो कि इसकी माँ भी लड़ रही है पिंकी जी, और मैं भी इसके लिए अब तैयार हूँ इसके पीछे, मतलब ये अपने आप अकेला समझेगी नहीं, अब एक माँ और एक बाप, ये दोनों लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि सच को सच और झूठ को झूठ, कानून साबित करे या पब्लिक साबित करे, कुछ भी करे। नहीं, पब्लिक तो कमेंट कर सके, साबित तो कानून ही करेगा, सजा कानून देगा। सजा कानून ही देगा जी। जो ये कह रहे हैं ना भी, पिंकी ने भी सत्यवान की प्रॉपर्टी वगैरह भी, मन्नू के पास तो सत्यवान से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी शायद, इसकी प्रॉपर्टी की कीमत उससे डबल होगी। हमने तो देखी नहीं जी, पर आप बता रहे। फतेहाबाद की प्रॉपर्टी की कीमत राजस्थान वाली से ज्यादा है भाई। मैंने आज तक कभी इस बंदे से एक रुपए की डिमांड नहीं करी, एक रुपए की भी। हालांकि इसके ठीक है, इससे गलती हुई थी, कुछ भी ला लो आप, है मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन दी थी भाई, 6 महीने पहले ही मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ ले आए, और हम, मुझे बतौर पत्नी अपने साथ रखे, एक घर में रहे हैं, एक परिवार में रहे, एक गांव में रहे हैं। अब ये मुझे और बच्चे को अपनाने से मना कर रहे हैं, और मुझे और मेरे बच्चों को हक दिलवाया जाए। सिर्फ ये मेरी वो 4 लाइन है, मैं वो कोई देखना चाहूँगा मैं दिखा दूंगी। मैंने कोई इस पर वो प्रशासन ने जो कार्रवाई, जो भाई उनके सामने सबूत आए हैं, प्रशासन ने वो कार्रवाई करी है। उस टाइम मेरे को 7वां महीना बच्चा मेरे पेट में था, जब हम दोनों अलग हुए तो ये लड्डू 2 महीने की थी पेट में। 5 महीने तक मैंने वेट कराया, 5 महीने तक मैंने समझाने की कोशिश भी की, ठीक है भाई उस टाइम इससे खाई पी में गलती हो रही है, और ये उस चीज़ को मान भी रहा है भाई, इससे गलती हो ही है, गलती मैंने, आप बताओ गलती मानते हो भाई साहब? गलती बिल्कुल है इस चीज का, इसको एहसास भाई इससे गलती हुई है। आप बताओ भाई जी, गलती मेरी होती तो मैं बच्चे को पैदा करके छोड़ भी सकती थी, मैं कोर्ट में रख देती भी इसको, अनाथ आश्रम भेजो, कहीं भेजो, मैं क्यों बच्चा संभालूंगी? क्या अकेली जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है, या उसकी माँ को दो, बहनों को दो, उसके परिवार को दो। फिर भी मैंने अपनी जो मेरी जिम्मेदारी थी एक माँ वाली, मैंने वो निभाई है ना। दूसरी बात, वो कह रहे हैं ना भाई सत्यवान के ऊपर मेरी बड़ी गुड़िया, हालांकि सेकंड फादर लगा लो आप भाई, कुछ भी लाओ समथिंग, कुछ भी कैसे लाए, कह तो है मेरी पत्नी है। हाँ नहीं, वो तो ना वो, क्या मेरे से बात करो? नहीं सॉरी, मेरी गुड़िया इसके साथ, मैं बीमार हुई हूँ इसके साथ, एक एक हफ्ता इकट्ठी रही है इसके साथ रही है, कभी मेरी गुड़िया ने इसके ऊपर इल्जाम नहीं लाया, क्या मैंने कभी वो इल्जाम इसके ऊपर नहीं लगाया आज तक भी? क्या कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही है, क्या बात, पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन क्या उसके साथ नहीं है? या कल को उसको ये कह दें कि तो कलयुगी माँ थी, ये थी, वो थी, जिसने 4.5 साल। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, अगर सत्यवान में कमी ना निकली तो फिर जिम्मेदारी है आप इस चीज में? नहीं, वो भी तो इस चीज में तैयार हूँ, इस चीज में मैं तैयार हूँ। मान लो सत्यवान में कानून अगर कार्रवाई करता है, अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करता है, अगर वो निर्दोष निकला तो
निर्दोष निकला था इनका कसूर। आप एक बात बताओ, इस बात के लिए बिल्कुल भी, ये मेरे सामने बैठी है, कभी मना नहीं करूंगा। अगर इसका कसूर आप एक बात बताओ, मैं झूठ बोल दूंगी। वो 4.5 साल का बच्चा झूठ बोलेगा जिसके ऊपर ये बात बीती है, वो मेरे को शर्म आती है। सुनो, सच की लड़ाई थी ना हमारी, मामला पुलिस संज्ञान में जा चुका है आपका, अब हमारा कानूनी कार्रवाई करेगा उससे। पर मैं ये चाहती हूँ, प्रशासन ने उसके बयान भी लिए, आगे भी होंगे उसके बयान। वो बच्चा आज भी पता क्या बयान करे, वो स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाता बच्चा, आपको भी पता। वो 4.5 साल उसने ये भी तक बोला है, मुझे भाई लेटरिंग में दर्द हो रहा है। मैम ने पूछा है भाई से, भाई आपको पेन है, दर्द है बेटा? हाँ मुझे लेटरिंग में दर्द था। वो मतलब उसको उस टाइम इतना दिक्कत हुई है, वो उस दर्द से गुजरी है। ठीक है, सर, एक छोटे बच्चे को, वो 4.5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलता, वो 4.5 साल जब होता है। क्या पता आपकी बातों में सच्चाई हो, और क्या पता, वो तो हमारा कानून देखेगा जी। हम हालांकि इस मैटर को उठाना भी नहीं चाहते, क्यों, जो मामला कानून में चला जाता ना उसका कानूनी कार्रवाई होती है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया है भाई, जो पिंकी के ऊपर आरोप लाए हैं, पैसे लूटना, पैसे हड़प करना, ये करना, वो करना, तो उनसे बड़ा तो ये था, हर मामले में बड़ा रहा ये, जुर्म ला लो आप, पैसा ला लो, प्रॉपर्टी ला लो, तो हर मामले में ये सबसे बड़ा रहा। मैंने इसको हमेशा दिया, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने इसको कपड़े खर्चा जो भी मेरे से बना, मैं इसकी हेल्प करी उस दौरान भी, ये हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो क्या मैं वो डिमांड इससे नहीं रख सकती थी? तो मैंने आज तक इस बंदे से पूछा, मैंने कभी 5 रुपए की भी डिमांड रखी हो, और वो रजेश जो बोल रहा है शराब पी फलाना पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं बता, ये बंदे के साथ आप बताओ, 3 बच्चे संभाल देगी वो औरत? संभाल सकती है क्या 3 बच्चे? अगर जो औरत ऐसी होगी तो, मैंने अपने दम पे 6 साल बच्चे संभाले, वो मीडिया में आके बोल रहे, उसने क्या कौन सी जिम्मेदारी निभाई? औरत तो कई कई बच्चे भी संभाले, घर से बेघर हो गए, बिल्कुल रोड पर खड़े हो गए, दिखा सकते। तो क्यों आदमी क्यों नहीं संभालता फिर? आदमी भी संभालते हैं, औरत भी संभालते। तो फिर अब जब बात दोनों की बराबर आ रही है, तो ये इज्जत बेइज्जती वाले सवाल मेरे से क्यों, उससे क्यों नहीं हो रहे? उससे भी हो रहे, आप मैटर कहाँ हो रहे हैं? आप मैटर गुड़िया का लो ना, हुए हैं उससे क्यों नहीं, गुड़िया का मैटर लो, गए हैं हम, हमने पूछी है। अगला बंदा जब ये कहने लग रहा है मेरे से, ये मैटर घुमा दे वो, मैं गुड़िया का, मेरी गुड़िया का मैटर था ना, 2017 से आज तक मैंने उनके पास फोन नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया। बच्चों का केस है, 9-10 साल हम साथ रहे हैं, वो फैसला बच्चों का, कोर्ट दे देगा वो फैसला, भाई उसके पक्ष में दे, मेरे में दे, वो कोर्ट का डिसीजन है। जब मैंने उस बंदे से आज तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, सही गलत कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो बंदा आज से पहले कहाँ था, आज से पहले क्यों नहीं आया उठ के? आज मेरी गुड़िया का मैटर आया तो मेरे लिए इतने मतलब अपशब्द वो यूज करने लग रहा है, क्या है? तो खुद ने भी तो 3-3 शादियां कर रखी है, अपने ऊपर क्यों नहीं बोल रही ये चीजें? उसकी कौन सी मजबूरी थी? वो तो घर में बैठा था, अकेला था, कमा के खा सकता था, उसके पास सारे ऑप्शन थे, मेरे पास तो इतने ऑप्शन थे। इतना सा बच्चा 9 महीने पेट में, फिर गोदी में, दिन रात उसको संभालना, कभी हॉस्पिटल, कभी 3 बच्चे, कभी वो बीमार है, कभी ये बीमार है, सारे आज किराए का आ गया, आज बच्चों के पास खाना नहीं है, आज कपड़े नहीं, आज बच्चों के पास जूते नहीं, सब कुछ मैंने निभाया 6 साल में, फिर वो मेरे ऊपर सवाल उठाने लग रहा है। क्या कभी अपने बच्चों से आगे पूछा तुम किस हालात में हो? और मीडिया में हमने बच्चे लेने की कोशिश की थी, पिंकी ने मना कर दिया, बच्ची ने, मेरी बड़े वाली ने रो रो के भी फ़ोन किया था, मेरे फोन से छोड़ो किसी और के फोन से भी फोन करे, बच्ची ने छुप के, बंदे ने फोन नहीं उठाया कभी अपनी बच्ची के लिए भी, बच्ची रोई भी, पापा कभी आप मेरे से आके मिल लो, पड़ोस में आके मिल लो, चोरी से मम्मी नहीं होगी मैं आपको बुला लूंगी, उस बंदे ने कभी फोन नहीं उठाया। बच्ची चाहो तो बच्ची के बयान करवा सकती हूँ। चलो भाई, पिंकी की कितनी सच्चाई है, पिंकी मीडिया पे बता रही है सारी की सारी बातें, हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो ये बता रही है इनका जवाब कमेंट में, देश को कमेंट में देना, नहीं तो भाई दूसरी पार्टी अगर हमारे से मिलना चाहती है या हमारे से कांटेक्ट करना चाहती है तो उनके विचार भी हम ले सकते हैं। हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे, बार बार कहा जा रहा है कि मीडिया कीचड़ उछाल रही है, ये बोलियो, मीडिया किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहती, अपनी मर्जी से ये लोग मीडिया में आते हैं और मर्जी से दिखाया जाता है। हाँ जी, बात आप बोल रहे सर, जितना कुछ बताया जा रहा है ना पिंकी के बारे में, इसको जितना मैं जानता हूँ, राजेश कम जानता है, उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ जी। ठीक है, कल को कुछ भी होगा, अगर सत्यवान पर हो पाते हैं तो उसको कानून सजा देगा, अगर इन पे आते हैं तो कानून उनको सजा देगा। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही है, जो भी कही इन्होंने, पता नहीं कौन दोषी है इस मामले में, लेकिन हम किसी को दोषी घोषित हम नहीं कर सकते क्योंकि मामला कानून में चला गया है। कोई अपडेट मिलेगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।